30,506, सब्ट्रैक्ट कितना है 23,389। इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड किया, देखिए 9 और 6 15, राइट साइड की डिजिट हम वंस के कॉलम में लिख देंगे और लेफ्ट साइड की डिजिट क्या होगी, कैरी बनकर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। 1 और 8 9 5 और 3 8 0 प्लस 3 3 और 3 और 2 5, 53,895। और हमारा माइनेंट भी कितना है 53,895। इसका मतलब हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है डी, राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। इनको हमें कॉलम में लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो कॉलम में हम देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट से चलते हैं, तो ये नंबर आता है 54,060 और फिर 28,583। तो हम ऊपर इस नंबर को लिखेंगे और नीचे इस नंबर को लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखिए, कॉलम्स में 1, 2, 3, 4, 5, हमें 5 पोजिशन तक के कॉलम बनाने हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। देखिए वंस में 0, 6, फिर 0, 4, फिर 5। अब नेक्स्ट नंबर 28,583 में से देखिए वंस में 3, टेंस में 8, 100 में 5, फिर 1000 में फिर से 8 और 10,000 में 2। इस तरीके से ये हमें कॉलम में लिखने हैं। आप इनको कॉलम में लिख करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल। आपको ऐसे ही कॉलम में लिखकर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन कॉलम में लिखा जाएगा, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी कॉलम में लिखा जाएगा। अब आप इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको कॉलम में लिखना बता दिया है, सब्ट्रैक्ट आप खुद करेंगे। ऐसे ही एक नेक्स्ट एक्टिविटी है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी ई, सब्ट्रैक्ट। देखिए बच्चों, इसमें सब्ट्रैक्शन का सिंबल नहीं लगाया हुआ है, माइनस सिंबल नहीं लगाया हुआ है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 32,645 फ्रॉम 50,000। यानी कि क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर सिंबल नहीं लगाया तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर देंगे। कहीं आप 32,645 में से 50,000 को घटा लें, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए फ्रॉम के बाद, फ्रॉम के बाद, फ्रॉम का मतलब होता है में से। अब 50,000 में से आपको 32,645 घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे 50,000 और सब्ट्रैक्ट इस नंबर को करेंगे जिसके साथ सब्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है।
सब्ट्रैक्ट 32,645, तो जिसके साथ सब्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का सिंबल 32,645। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको मैंने ये कॉलम वाइज लिखना बता दिया, ये तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, फ्रॉम के साथ जो नंबर है यह है आपका क्या है, मॉन्यूमेंट है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। और सब्ट्रैक्ट के साथ जो नंबर है यह आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मॉन्यूमेंट ऊपर लिखा जाता है, सब्ट्रैक्ट नीचे लिखा जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसके साथ क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन होंगे, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी एफ बिल्कुल ई एक्टिविटी की तरह ही है, लेकिन इसमें नंबर्स डिजिट की फॉर्म में ना देकर के वर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट 48,812 फ्रॉम 94,681। तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वह ऊपर लिखा जाएगा, वह नंबर होता है मॉन्यूमेंट, और सब्ट्रैक्ट के साथ जो नंबर है वह नंबर नीचे लिखा जाएगा, यह नंबर होता है सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले नंबर को न्यूमरल्स में लिखते हैं। देखिए आपने चैप्टर फर्स्ट में सीखा होगा वर्ड्स से न्यूमरल में और न्यूमरल से वर्ड्स में लिखना नंबर्स को, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसमें देखते हैं 48,000 है, 800 है, 12 है, 48,000 के लिए 1,2,3,0 या 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 800 प्लस 12, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48,812। ये एक नंबर आ गया हमारा। दूसरा नंबर क्या है देखिए, 94,000 प्लस 600 प्लस 94,000 का देखते हैं, 94,000 के लिए 30 या 1,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 600 प्लस 81, और ये कितना होगा देखिए, 94,681 ये नंबर बन जाएगा। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, तो देखिए 94,000 और 48,000 कौन सा नंबर बड़ा है, नीचे वाला 94,681 बड़ा है, 48,812 छोटा है, तो 48,812 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सब्ट्रैक्ट 48,812 फ्रॉम 94,681। मैंने आपको बताया फ्रॉम के साथ ये जो नंबर है ये तो क्या है आपका, मॉन्यूमेंट,
लिखते हैं 94,681 सबट्रैक्ट को आप नीचे लिखेंगे सबट्रैक्शन सिंबल के साथ 48,812 और इसको सबट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से कॉलम में लिखेंगे कैसे नंबर लिखना है, कौन सा नंबर आएगा, उसको कैसे लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ऊपर के क्वेश्चन जैसा ही बन गया है या एक्टिविटी ई के क्वेश्चन जैसा ही बन गया है। तो इसको आप खुद करेंगे ऐसे ही, और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखिए जी एक्टिविटी पर आते हैं। जी एक्टिविटी अभी देखिए, व्हाट नंबर इज 2879 लेस देन 12,000, यानी वो नंबर क्या होगा जो 12,000 से 2879 कम है। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं वो नंबर क्या होगा जो 10 से 3 कम है, 10 से लेस देन 10, 3 लेस देन 10। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं 1 लेस देन इतना, 2 लेस देन इतना। तो 3 लेस देन 10 कितना होगा, यानी वो नंबर कितना होगा जो 10 से 3 कम हो। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 को जब हम लेस करेंगे, यानी 10 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 10 से 3 कम है। यानी 10 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 12,000 माइनस 2879 आपको ये सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 9 नहीं जा सकता तो ये इससे बोरो लेगा, लेकिन ये पहले से 0 है बोरो नहीं दे सकता तो ये इससे बोरो लेगा, यह भी 0 है बोरो नहीं दे सकता तो ये इससे बोरो लेगा, और ये जब इसको बोरो देगा तो ये बन जाएगा 10, 10 बन गया 1 बोरो देने के बाद, ये जब इसको बोरो देगा तो ये तो बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, ये जब इसको बोरो देगा तो ये तो बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 जब घटाओगे तो कितना बचेगा 1, 10 में से 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1। यहां 10 नहीं है, यहां पर 9 है, 9 में से 7 को जब आप लेस करोगे तो कितना बचेगा 2, यहां पर भी 10 नहीं है क्योंकि 10 ने इसको बोरो दे दिया था, इसलिए यहां पर 9 बचा है, 9 में से 8 को लेस करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1, यहां पर 2 नहीं है इसलिए हम बोरो दे दिया था इसलिए यहां पर क्या है 1। अब 1 में से 2 नहीं जा सकता और ये इसको क्या करेगा, एक बोरो दे देगा तो ये बन जाएगा कितना 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये 1 इसने बोरो दे दिया था तो यहां क्या बच गया 0, और इसके नीचे कोई नंबर नहीं है इट मीन्स 0 है तो 0 में से 0 जाएगा तो भी 0 बचेगा। तो हमारा नंबर क्या आ गया 9121। अब ये हमारा सही आया है या नहीं आया है इसको चेक कर लेते हैं। ये आ गया अपना डिफरेंस, ये माइन्यूएंट और ये सबट्रैक्ट, अब चेक करते हैं। देखिए 9121 प्लस 2879 इनको ऐड कर लेंगे
का राइट साइड की डिजिट हम इसी कॉलम में लिखेंगे, लेफ्ट साइड की डिजिट नेक्स्ट कॉलम में कैरी चली जाएगी, 1 और 2, 3, 3 और 7, 10। फिर से 10 के राइट साइड की डिजिट हमने यहाँ लिखी, लेफ्ट साइड की डिजिट नेक्स्ट कॉलम में कैरी होती चली गई, 1 और 1, 2, 2 और 8। फिर से 10 के राइट साइड की डिजिट हमने यहाँ लिखी, लेफ्ट साइड की डिजिट वापस से कैरी होके आ गई, 9 और 1, 10, 9 और 1, 10, 10 और 2, 12। 12,000 आ गया और 12,000 क्या है हमारा माइनेंट, ये माइनेंट है, इसका मतलब डिफरेंस जो आया है वो हमारा बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, एच फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 14,275 एंड 15,005। देखिए इन दोनों के बीच का हमें अंतर निकालना है, अंतर डिफरेंस दो नंबर्स के बीच का निकलता है, और ये जरूरी नहीं होता उसके लिए कि बड़ा नंबर आगे लिखा जाए और छोटा नंबर पीछे, या छोटा नंबर आगे लिखा जाए बड़ा नंबर पीछे। ये भी कहा जा सकता है कि 5 एंड 3 का डिफरेंस बताइए, और ये भी कहा जा सकता है 3 एंड 5 का डिफरेंस बताइए। डिफरेंस हमेशा बड़े और छोटे में से निकलेगा, और बड़ा नंबर ऊपर यानी बड़ा नंबर तो क्या बन जाएगा माइनुएंट, बड़ा नंबर बन जाएगा माइनुएंट, और छोटा नंबर क्या बन जाएगा सबट्रैंड। इसको हमने सबट्रैंड बनाया। अब आप डिफरेंस इजीली पता लगा सकते हैं कि डिफरेंस कितना आएगा, कैसे देखिए क्या करना है, वही माइनुएंट में से सबट्रैक्ट को सबट्रैक्ट करना है, और ये सबट्रैक्शन का सिंबल आपको ये सबट्रैक्ट करना है, जो आएगा वो क्या होगा डिफरेंस। आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि डिफरेंस जो आया है वो सही आया है नहीं आया है एडिशन मेथड से। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनुएंट है और ये सबट्रैक्ट है। जब 15,000 में से 14,275 को सबट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो डिफरेंस होगा। इस तरीके से हम डिफरेंस निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, आई फाइंड द सबट्रैक्ट व्हेन माइनुएंट इज 25,375 एंड डिफरेंस इज 10,797। देखिए टेन माइनुएंट दिया हुआ है और डिफरेंस 4 दिया हुआ है। सिंपल सा समझाता हूं आपको, तो हमें क्या निकालना है सबट्रैक्ट। देखिए माइनुएंट 10, सबट्रैक्ट हमें पता नहीं है क्या आएगा, और डिफरेंस दिया हुआ है 4। तो 10 में से हम क्या बताएं कि 4 आ जाए, तो इसका आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 10 में से जब हम 6 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए माइनुएंट में से अगर सबट्रैक्ट करते हैं हम सबट्रैक्ट को, तो कितना आ जाता है डिफरेंस आ जाता है।
यानी 10 में से मैंने 6 सबट्रैक्ट है, 10 माइनर एंड 10 में से मैंने 6 को सबट्रैक्ट किया तो कितना आ गया डिफरेंस 4 आ गया। लेकिन आप मुझे ये बताइए अगर 10 में से मैं 4 को सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब माइनर एंड में से मैंने जब डिफरेंस को सबट्रैक्ट किया तो कितना आया 6 सबट्रैक्ट आ गया। यानी इधर देखिए माइनस अगर मैंने अपने को जो डिफरेंस आया है उसको सबट्रैक्ट किया है डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है और 6 क्या है हमारा सबट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ अगर आपको माइनमेंट दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है तो सबट्रैक्ट कैसे निकालेंगे माइनमेंट माइनस डिफरेंस इक्वल टू सबट्रैक्ट। अगर आपको माइनमेंट दिया हुआ है सबट्रैक्ट दिया हुआ है तो डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे माइनमेंट माइनस सबट्रैक्ट इक्वल टू डिफरेंस। देखिए माइनमेंट माइनस सबट्रैक्ट ये डिफरेंस आ गया और अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो माइनमेंट माइनस डिफरेंस क्या जाएगा सबट्रैक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे क्या करना है आपको सिंपल माइनमेंट क्योंकि माइनमेंट सबसे बड़ा होता है माइनमेंट सबट्रैक्ट और डिफरेंस दोनों से बड़ा होता है इसलिए सबसे ऊपर माइनमेंट आएगा 25,375 और इसमें से जब आप सबट्रैक्ट करोगे डिफरेंस को 10,797 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका सबट्रैक्ट होगा। तो आप इसको आसानी से सबट्रैक्ट कर सकते हैं ये पहले के क्वेश्चंस की तरह ही बन चुका है अब आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए कुछ आपने खुद सॉल्व किए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्टिविटीज लेंगे। जे एक्टिविटी को अगर आप देखोगे तो जे एक्टिविटी आई एक्टिविटी की तरह ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्टिविटीज को लेंगे। देखिए तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।